संसद और देश में लगातार कई मुद्दों पर बुरी तरह मात खाने के बाद अब कांग्रेस को धीरे धीरे बातें समझ में आ रही हैं। लाल किले से पीएम मोदी जनसंख्या नियंत्रण से जुड़े तो कांग्रेस के कान खड़े हो गए। अब कांग्रेस चाहती है कि पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी इस मुद्दे पर भी उसे मात न दे दे। इसीलिए कांग्रेस ने अभी से अपना होमवर्क करना शुरू कर दिया है। इसी वजह से पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी की लाल किले से कही गई जिन तीन बातों का खुलकर समर्थन किया उसमें जनसंख्या नियंत्रण भी था। कांग्रेस का मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण हमेशा से सभी सरकारों और पार्टियों की प्राथमिकता रही है। कांग्रेस के करुणाकरन की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई थी और उस कमेटी ने अपने सुझाव भी दिए थे। करुणाकरन कमेटी ने जो सुझाव दिए थे उसमें जन प्रतिनिधियों के लिए अनिवार्य किया गया था कि उनके दो से अधिक बच्चे न हो, लेकिन यह सुझाव लागू नहीं किया जा सका। अब इस दिशा में मोदी सरकार पहल करने जा रही है। कांग्रेस इस बार पहले से इसीलिए भी ज्यादा सतर्क है कि पीएम मोदी और अमित शाह की यह नीति रही है कि वे अपने फैसले से इस कदर चौंका देते हैं कि विपक्ष को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता। संसद के मानसून सत्र में तो पीएम मोदी और अमित शाह ने कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों को कई बार चौंकाया और उन्हें मात दे दी। आर्टिकल 370 और 35A पर भी कांग्रेस का मानना है कि अगर उसे मौका मिलता तो पहले से अपना होमवर्क पूरा कर लेती और फिर इतनी फजीहत नहीं होती। इसीलिए कांग्रेस कम से कम जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर आगे बढ़कर पीएम मोदी का समर्थन करने के मूड में है ताकि बीजेपी उसका फायदा नहीं उठा सके। कांग्रेस ही नहीं, दूसरे तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने भी अपनी अपनी पार्टियों से यह मांग की है कि वे पहले से ही सभी संभावित मसलों पर अपनी तैयारी कर लें। पता नहीं कब पीएम मोदी और अमित शाह उसे सामने ले आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह राहुल गांधी सुबह सवेरे उठकर दो तीन रटे रटाए वाक्य दोहराते थे जैसे राफेल और चौकीदार, अब लगता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी राहुल के नक्शे कदम पर चलने लगी हैं। करीब करीब हर दिन प्रियंका यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल दागती हैं। अगर वह नहीं तो फिर संविधान को खतरे में बताती हैं और कभी लोकतंत्र की चिंता में डूब जाती हैं। मतलब संविधान और लोकतंत्र एक तरह से उनका तकिया कलाम बन गया है। आर्टिकल 370 और 35A को हटाए जाने के बाद से राहुल गांधी और प्रियंका दोनों यह सब कहते फिरते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए शायद ये दोनों अपनी पार्टी की तरफ नहीं देखते कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। कई मामलों के आरोपी को कांग्रेस ने महाराष्ट्र में टिकट बांटने वाली समिति का मेंबर बना दिया है, यानी जो खुद कई गंभीर आरोपों में उलझा है वह महाराष्ट्र में चुनावी टिकट बांट रहा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में टिकट बांटने वाली कमेटी में एक नया नाम सुभाष घेटे का है। क्या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को पता है कि सुभाष घेटे आखिर कौन है? यह सब करने के बाद कांग्रेस सोचती है कि वह महाराष्ट्र या फिर कहीं चुनाव जीत जाएगी, तो यह उसकी खुशफहमी है। अगर राहुल और प्रियंका गांधी को यह भी लगता है कि आर्टिकल 370 के मुद्दे पर लगातार कुछ कुछ बोलते रहने से उसे कोई चुनावी फायदा हो सकता है तो दोनों को राफेल और चौकीदार को याद कर लेना चाहिए कि उसका हश्र क्या हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कल सुबह तक बीजेपी को टू मैन आर्मी और वन मैन शो कहने वाले शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज ही बदल गई। चुनाव हारने के बाद से लगातार वे किसी न किसी तरीके से पीएम मोदी की तारीफ करने लगते हैं। लाल किले से पीएम मोदी के संबोधन की तारीफ तो कांग्रेस में पी चिदम्बरम ने भी की। ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा कहां मौका चूकने वाले थे, इसीलिए अब उन्हें भी पीएम मोदी का संबोधन अच्छे से रिसर्च किया हुआ और साहसिक लगने लगा। नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक तमाम मुद्दों पर पीएम मोदी को घेरने वाले शत्रुघ्न सिन्हा को अब पीएम मोदी में खूबियां नजर आने लगी। लेकिन यह सब तब हुआ जब वे पटना साहिब से लोकसभा का चुनाव रविशंकर प्रसाद के हाथों और उनकी पत्नी पूनम सिन्हा लखनऊ में राजनाथ सिंह के हाथों बुरी तरह हार गईं। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं साफ गोई के लिए जाना जाता हूँ और मानता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपका स्वतंत्रता दिवस पर दिया गया भाषण बहुत साहसिक और अच्छे से रिसर्च किया हुआ था। बीजेपी में रहते हुए पीएम मोदी के बड़े आलोचक रहे शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में शामिल हो गए थे और कांग्रेस के टिकट पर ही लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। पिछले दिनों उन्हें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की भी चर्चा तेज थी, लेकिन अब उनके बदले बोल कम से कम सोनिया गांधी को तो नहीं अच्छे लग रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली में दो दिनों तक डेरा डाले रहे, लेकिन सोनिया गांधी ने उन्हें कोई भाव ही नहीं दिया। अलग पार्टी बनाने के संकेत दिए, फिर शरद पवार के साथ गुफ्तगू करने के बाद हुड्डा को अब भी उम्मीद है कि सोनिया गांधी उनकी बातें मानकर अशोक तंवर को चलता करें और पार्टी की कमान उनके हाथों में थमा दे।
हुड्डा की परिवर्तन रैली में समर्थक नेता और विधायकों ने तीखे तेवर दिखाए। रैली में न कहीं कांग्रेसी झंडा दिखा और न ही राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी की तस्वीर दिखी। मतलब कि हुड्डा ने अपनी इस रैली से कांग्रेस का नाम पूरी तरह से मिटा दिया। रैली में शामिल नेताओं ने दिल्ली के बंद कमरों में बैठकर पार्टी चलाने वाले नेताओं पर खूब हमले किए, लेकिन सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी का नाम किसी ने नहीं लिया। मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा वापसी का एक रास्ता बचा कर रखने के मूड में है, ताकि उनकी सियासी सौदेबाजी कायदे से निपट जाए। बावजूद सबके, अगर सोनिया गांधी ने हुड्डा के हाथों में हरियाणा कांग्रेस की कमान नहीं सौंपी तो फिर गेंद हुड्डा के पाले में होगी। रैली में मौजूद नेताओं ने अपना समर्थन और फैसला करने का पूरा अधिकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में सौंप दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भले ही रैली में कांग्रेस छोड़ने का ऐलान नहीं किया, जिस मुकाम तक वे पहुंच गए हैं वहां से वापसी का रास्ता बेहद तंग दिख रहा। मामला सिर्फ अशोक तंवर और कांग्रेस की कमान का नहीं है, मामला आर्टिकल 370 पर कांग्रेस के स्टैंड का है, जिसके खिलाफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दिजीपेंद्र हुड्डा पहले ही मुंह खोल चुके हैं। रोहतक की रैली में भी इस मुद्दे की चर्चा खूब हुई और भूपेंद्र हुड्डा को उनके स्टैंड के लिए बधाई भी मिली, लेकिन सोनिया गांधी और कांग्रेस का आर्टिकल 370 पर गुलाम नबी आजाद वाला स्टैंड है। राहुल गांधी और प्रियंका तो गुलाम नबी आजाद और पी चिदम्बरम की तरह का बयान देते हैं। वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी ने साफ कहा था कि किसी के लिए हम अपना स्टैंड नहीं बदल सकते। राहुल गांधी की बातों से ही साफ है कि हरियाणा में अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से समझौता हो पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हुड्डा भी अपने समर्थकों को आर्टिकल 370 पर वही सब नहीं कर सकते जो राहुल या पी चिदम्बरम कह रहे हैं। हरियाणा का मूड मोदी सरकार के फैसले के साथ है, इस बात को हुड्डा बेहतर जानते हैं, इसीलिए वे कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि हरियाणा की सियासत में हाशिए पर चले जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। इनकम टैक्स विभाग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उस पुरस्कार राशि पद टैक्स लेगा जो उन्हें सोल शांति पुरस्कार के साथ मिला था। पीएम मोदी को सोल शांति पुरस्कार में 1.3 करोड़ की राशि भी मिली थी। असल में मार्च महीने में सब्सिडीटी ने आईटी एक्ट के तहत इस पुरस्कार राशि पर टैक्स की छूट दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आम टैक्स पेयर्स के लिए एक बड़ी मिसाल पेश की। पीएम मोदी ने 11 अगस्त को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर पुरस्कार राशि पर टैक्स लगाए जाने की मांग की थी। वित्त मंत्री ने पीएम मोदी के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया। अपने पत्र में पीएम मोदी ने लिखा कि चुनाव की प्रतिबद्धताओं के कारण मैं आपको पहले नहीं लिख पाया, लेकिन मुझे पीस प्राइस पर दी गई छूट पर एक बार फिर से आप विचार करें। प्रधानमंत्री के इस पत्र के बाद सब्सिडीटी ने टैक्स छूट को वापस ले लिया। अब पीएम मोदी से आईटी एक्ट 1961 के मुताबिक टैक्स लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।